हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों की हालत बहुत खराब है। ये भाई साहब तो लेंगरा का चल रहा है। एक्चुअली हुआ ये कि कल रात मैं गया था ऑर्केस्ट्रा पे, तो थोड़ा वो टायर्ड हो गया और सुबह ट्यूशन परवा कर आने के बाद इतना हालत खराब हो गया कि मैं सो गया था और अभी सोकर उठाऊ। और ये भाई साहब गए थे, कहाँ गए थे बताइए? उदयपुर में दिवाली में गए थे और पूरा रात घूमने के बाद घर पे आकर सो गया था। अभी थोड़ी देर में उठकर आ रहा है, तो हम दोनों की हालत, पैरों की हालत बहुत खराब है। तो हम बाजार में जाकर कुछ मूव वगैरह खरीदेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। गाइस अभी 8 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं बुद्ध मंदिर में, क्योंकि आज वहां पर कल्चरल प्रोग्राम है। दिखाता हूँ आप लोगों को, सामने कुछ नारायण सुकांत वगैरह है। सो गाइस यहाँ पर आया हूँ, थोड़ा बहुत सांस्कृतिक वगैरह प्रोग्राम वगैरह हो रहा है। और ये रहा भाई साहब छोटन भाई साहब, बोलिए कुछ बोलिए। बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे गाइज। इस वक्त हॉस्पिटल में आया हूँ। एक्चुअली मेरा 2 दिन से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत बिजी हूँ, थोड़ा हालत भी खराब है, परिस्थितियाँ भी खराब है, जिसके कारण मैं अभी इस वक्त हॉस्पिटल में आया हूँ सुगांतो के साथ में। रुको भाई साहब उठ जाने दे पहले, बाकी मैं आप लोगों को घर जाके बता रहा हूँ, सब कुछ खोल के बता रहा हूँ मैं। एक्चुअली ये भाई साहब छत से हार गए थे, तो जिसके लिए जो बंदा छत में हार गया था वो बंदे को खिलाना था, तो एक्चुअली ये मैं खिला रहा हूँ, ये बंदा छत में हाथ गया। वैसे इसका मेन रीजन ये है कि मेरे को खाना था बोरे का आचार, मतलब मेरे को ही खाना था बेसिकली, तो मैंने इसके साथ छत लगाया। तो मुझे पता था, एक मूवी देख रहा था यहाँ पर, एक बॉलीवुड मूवी देख रहा था और एक गाना आएगा, मुझे पता था, और इसने बोला गाना नहीं आएगा, तो मुझे पता था कि मैं छत में जीतने वाला हूँ, फिर भी मैंने जानबूझ के छत लगाया और ये वाला आचार मंगवाया। अभी इसको खाने वाला और मूवी एंजॉय करने वाला हूँ। एक्चुअली आप लोगों से थोड़ी देर में मैं कुछ बातें भी शेयर करूंगा, तो बने रहे ब्लॉग के साथ। तो गाइस काली पूजा का है और आज हो रहा है काली देवी का विसर्जन। वो सामने लोग आ रहा है, सामने काली माँ को विसर्जन देने के लिए लेकर जा रहा है। हम भी थोड़ा थोड़ा इनके पीछे जाएंगे, क्योंकि सामने जो रंग वगैरह खेल रहा है और मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारे गांव का जो रोड से है ना भाई साहब। और ये भाई साहब ये देखिए क्या इसको गले में लटका कर, चार्जर को गले में लटका कर आचार खा रहा है। आचार्य आदमी, अत्याचारी और आचार्य आदमी है ना। देखिए गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा गांव। अरे यार गाइस वो जो सामने स्कूटी जा रहा है, इसकी सामने से ये दौड़ रहा था, मतलब क्या बताओ। अरे देखिए किस तरह से इडली की तरह हिंदी थे, इडली की तरह। एक्चुअली धान का जो धान लेने के बाद जो अवशिष्ट रहता है ना वो है, गाय को खाने के लिए देते हैं, तो ये सड़क पे सुखा रहा है। एक्चुअली पूरा एरिया में आपको ये मिलेगा। सो गाइस हुआ ये कि कल रात को नॉरेन का जो बड़ा अंकल जी है, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को शायद बोला था कि उनको कुछ कैंसर वगैरह ट्यूमर वगैरह हुआ था, तो काफी दिनों की मतलब काफी दिन बहुत ही दर्द था, तो फाइनली कल रात को वो नहीं रहे, देहांत हो गया। और कल रात को देहांत हो गया और आज सुबह को मतलब उनका जो अंतिम कार्य है वो भी कर दिया गया, अंतिम कार्य भी कर दिया गया। और अब क्या हुआ कि सुबह से मेरा जो पेट का हालत बहुत ही खराब था, फिर भी मैं बरेली बाजार गया, ट्यूशन पढ़वाया, उसके बाद उनकी जो देहांत है वहां पर भी जाना था, लेकिन मतलब बैड लक था कि नहीं रह पाया। तो
हुआ ये कि मेरा जो पेट है ना वो गैस बन गया, जिसके लिए मेरा इतना हालत खराब हुआ। मैंने क्या किया, दोपहर तक वेट किया, उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास मतलब सुगंध के साथ में गया था, तो थोड़ा बहुत दवाई वगैरह खाने के बाद मेरा हालत थोड़ा ठीक ठाक है अभी। और अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि उस तरफ काली माँ का विसर्जन हो रहा है, तो जा रहा हूँ बस उस तरफ। बाकी आप लोग कैसे बताइए जरा, हाल कैसा है, क्या चल रहा है सब कुछ, मतलब कमेंट वगैरह कीजिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए भाई को। इनको क्या हो गया रे भाई साहब, इनको क्या हो गया, उनको क्या हो गया, विसर्जन कर रहे थे तो एक्चुअली ऐसा बोल रहे थे कि उनका उनके ऊपर कोई माता या फिर महादेव आ गया था, जिसके कारण वो थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहे थे। बाकी ये उन लोगों की आस्था है, काफी एबनॉर्मल था, काफी देर तक वो जो औरत था वो एबनॉर्मल था। वैसे हर वक्त नॉर्मल ही रहते, लेकिन शायद काली पूजा के वक्त ही कुछ ऐसा हो जाता है इनका, और ये काली पूजा का विसर्जन था। और मेरा तो आज पूरा दिन बहुत ही खराब गया है, इसका रीजन था मैंने बताया आप लोगों को, जो अंकल जी वो चला गया, मतलब उनका देहांत हो गया, उसके बाद मेरा पेट का हालत अभी भी थोड़ा बहुत खराब है। तो एक्चुअली गैस हो गए कुछ दिन, बहुत ही उल्टा सीधा, मान लीजिए फास्ट फूड वगैरह खा रहा हूँ, जिसके लिए मेरा ये हालत है। सो अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कॉमेंट अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कीजिए। और गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद।